मध्य प्रदेश के धार जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार यशवंत धनोरा के आदेश पर जिला कंट्रोलर आरएस राय के नेतृत्व में अवैध शराब अभियान चलाया गया। नकली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में धार जिले के वृत्तकुच्छी में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर से मिली सूचना को आधार मानते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़वानी कुक्षी मार्ग गढ़पुर चौराहे के पास बोलेरो पिकअप को घेराबंदी कर रोका। घेराबंदी के दौरान वाहन चालक फरार होने में कामयाब रहा। पिकअप की चेकिंग करने पर 50 पेटी देशी मद्रा प्लेन तथा 75 पेटी माउंट 6000 केन बियर, इस प्रकार कुल 125 पेटी में भरी शराब की कुल मात्रा 1350 बल्क लीटर जब्त की। पुलिस ने फरार आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34A का वाद 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 9,94,000 रुपए बताई है। आज के मामले में डॉक्टर पंकज जैन साहब पलेटी साहब के निर्देशन में श्री यशवंत कुमार धनोरा आपके सहायक आबकारी आयुक्त धार के मार्गदर्शन में और श्री आरएस राय जो आबकारी कंट्रोलर है हमारे उनके नेतृत्व में आज दिनांक 15/1/2022 को अवैध शराब के विरुद्ध जो चलाई जा रही मुहिम थी उसके अंतर्गत हमें पता लगा मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बड़वानी की ओर से एक बोलेरो पिकअप वाहन जिसमें MP गैरा जी 3596 उसमें अवैध शराब लाई जा रही है जिसकी घेराबंदी की गई और जो गनपुर चौराहे के पास में इसको पकड़ा गया जिसके अंतर्गत हमको 50 पेटी देशी मदिरा प्लेन बड़वानी जिले की और 75 पेटी माउंट केन बियर की जब्त की गई है जिसकी कुल मात्रा 1350 वर्ग लीटर के आसपास है और अनुमानित कीमत शराब और मदिरा के शराब की और वाहन की करीब 10 लाख के आसपास है और ये प्रकरण हमारे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)-34(2) के अंतर्गत कायम किया गया और अनुसंधान में ले जा रहा है। सर इस मामले में आरोपी आरोपी मौके से फरार हो गया है जिसकी तस्दीक की जा रही है और इस टीम में महत्वपूर्ण योगदान रत्ना अमलिया आबकारी आरक्षक और पद्मा बघेल आबकारी आरक्षक का महत्वपूर्ण रहा है।